हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो बेटा जी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर पहले मैं तुम्हें छोटा सा एक बार रिएक्शन बताता हूँ कि कौन कौन सी हमारी रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट है तो वो कौन सी रिएक्शन को प्रेफरेंस देगा। तो मैं आपको प्रायोरिटी के हिसाब से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस की, तो बेटा जी सबसे अगर मैं आपको बताऊं कि जनरली जो हम इनके टाइप्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हमारे पास चार तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली केमिकल रिएक्शन है हमारी जिसको हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान से समझो। दूसरी रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है बेटा जी जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड द फोर्थ वन इज जिसका नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क कब लगा। मैंने कहा कि एक रिएक्टेंट होगा, सबस्ट्रेट होगा, सॉरी सबस्ट्रेट पर क्या लगाते हैं, एक अटैकिंग एजेंट लगाते हैं। यहां पर आपने क्या करा, सबस्ट्रेट लिया और अटैकिंग एजेंट लिया। बाकी कहानी आपको पता है कि सर यहां सॉल्वेंट लेंगे, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगी या फिर ट्रांजिशन स्टेट, देन आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये है कि सर ये अटैकिंग एजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पर किस तरीके से जुड़ेगा। एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जुड़ेगा या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता कैसे चलेगा कैसे जुड़ेगा। तो मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीजें बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो ध्यान से समझो, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे नंबर वन प्रायोरिटी बेटा जी जिस रिएक्शन की होती है उसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान से देखो, उसे कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अगर आपको कभी भी कोई सब्सट्रेट दिखाई दे, आपको कोई अटैकिंग एजेंट दिखाई दे, तो आप सबसे पहले चेक करो क्या उसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। और एसिड बेस रिएक्शन होने की बेटा जी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन होने की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका सब्सट्रेट है या जो आपका अटैकिंग एजेंट है, सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट को बेटा जी एसिड और बेस होना कंपलसरी है। अगर वो अच्छे एसिड या अच्छे बेस नहीं होंगे तो कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कभी भी आप एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि सर जो हमारे पास सबस्ट्रेट या अटैकिंग एजेंट जो है, इन दोनों को एसिड और बेस होना चाहिए। अगर ये बहुत अच्छे एसिड बेस नहीं है तो बेटा जी आपकी एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती। अब मान लो कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है या आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो एक अच्छा एसिड बेस नहीं है, तब हम क्या करेंगे सर? तब बेटा जी आप दूसरी प्रायोरिटी दोगे रिएक्शन को, और दूसरी प्रायोरिटी जो हमारी रिएक्शन की होती है वो होती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। वो हमारे पास कौन सी है बेटा जी, एडिशन रिएक्शन। जब आपको पता चल जाए कि सर एसिड बेस इसके अंदर नहीं हो सकती, मतलब अटैकिंग एजेंट एडिशन रिएक्शन के थ्रू सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं लग सकता, तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या सर इसके पास एडिशन रिएक्शन हो सकती है। अब ध्यान से सुनो कि सर एडिशन रिएक्शन की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एडिशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एडिशन रिएक्शन, अब ध्यान से समझो कि मेरे पास यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा आपके पास क्या है बेटा जी, ये मैंने एक सैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये आपके पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर मुझे एडिशन करना है, सपोज दैट कि मैं हाइड्रोजन को ऐड करना चाहता हूं, इस पर भी बेटा जी मैं हाइड्रोजन का एडिशन करना चाहता हूं, तो एडिशन करने के लिए, बिकॉज अभी मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास जितने भी बॉन्ड बनने चाहिए उतने बॉन्ड इसके बन रहे हैं। इस कार्बन के भी चार बॉन्ड बनने चाहिए, 1, 2 और 2, 4। यहां पे भी चेक करो, कार्बन के चार चार बॉन्ड सबके बन रहे हैं। तो अगर बेटा जी इस हाइड्रोजन को आप यहां ऐड कराना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसका भी एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अगर डबल बॉन्ड की कहानी होती है तो उसके पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन अगर खाली सिंगल बॉन्ड है तो बेटा जी उसके पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा।
अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। तो अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा जी, इसका पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक कर सकता हूं, और दूसरी तरफ अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, अगर एडिशन कराना है, तो मुझे सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए एडिशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका सबस्ट्रेट है वो कैसा होना चाहिए बेटा जी, शुड बी अनसेचुरेटेड। कहने का मतलब कि उसके पास पाई बॉन्ड होने बहुत जरूरी है। अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो कभी भी वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होती कि हम नॉर्मल कंडीशन में ये बॉन्ड तोड़कर यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन पॉसिबल कर सकें। लेकिन बेटा जी हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से भरी हुई हमारी केमिस्ट्री। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, ये कहानी चलेगी कि सर सबस्ट्रेट शुड बी अनसैचुरेटेड एक्सेप्ट वन केस, और इसका जो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट वन केस, और वो केस रहता है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का। बहुत ध्यान से समझो इस बात को, साइक्लोप्रोपेन का। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन को देखूं तो आप जानते हो कि सर साइक्लोप्रोपेन ये रहा, दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन भाई, 1, 2, 3 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो लगा दिया, 4, 3 कार्बन है, प्रोप सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन। यहां पर आप देखोगे कि सर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं, मतलब कि सैचुरेटेड है, और एडिशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपाउंड को बेटा जी अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन मार्क लगेगा कि सर ये एक्सेप्शन कैसे आ गया फिर, मतलब ये क्यों एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब मैं आपको वो बात समझाता हूं, मैं जरा इसे रफ करता हूं, बहुत ध्यान से समझो एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अब इधर देखो बेटा जी कि अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, इधर देखो। अब यहां पे क्या है कि मानो कि ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। आप जानते हो कि सर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी आपके पास कार्बन एटम है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी बेटा जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी बेटा जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कहानी है आपकी। अब ध्यान से समझो, अगर ये मैं इस तरीके से देखूं तो आप जानते हो कि सर ये जो कार्बन होगा ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये वाला कार्बन भी बेटा जी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है सारे के सारे तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। बाकी आप निकालना सब लोग जानते हो हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे ध्यान से सुनो कि सर अगर ये कार्बन सारे के सारे sp3 हैं तो अकॉर्डिंग टू इट इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और जब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए तो सर उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। ये वाली बातें समझ में आई कि सर ये sp3 कार्बन है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इतना होगा, लेकिन इसे देखो तो सही कि सर ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। कार्बन चाहता है कि एंगल मेरा 109.5 पर पहुंचे, लेकिन इस रिंग ने इस कार्बन का एंगल 109 नहीं रखा, सिर्फ 60 डिग्री पर रोक रखा है। तो कहने का मतलब कि इस एंगल की वजह से इस रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, ये रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन करेगी, खिंचाव सा होगा रिंग के अंदर, और वो खिंचाव की वजह से कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब बेटा जी इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम अनस्टेबल रहे, तो वो अपनी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ध्यान से समझो, अब क्या होगा कि ये चाहेगा कि इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाए, कार्बन क्या चाहेगा कि उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाए, बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा, तो उस रिंग स्ट्रेन की वजह से क्या करेगा, इस बॉन्ड को वो बाहर की तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड को बाहर की तरफ खींचेगा, और इस बॉन्ड को नीचे की तरफ खींचेगा। तो कहानी क्या होगी, ध्यान से देखो कि ये तो पहले मेरा स्ट्रक्चर बेटा जी कुछ इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि ये बॉन्ड खींच के
कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ चला गया, कुछ इस तरीके से ये वाला बॉन्ड खिंच के कुछ इस तरीके से बाहर चला गया बेटा जी, और ये वाला बॉन्ड खिंच के भी कुछ बाहर इस तरीके से चला गया। तो अब क्या हो गया कि पहले आपके बॉन्ड थे ऐसे खिंच के ये इधर चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन था, अनस्टेबल हो रहा था, ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आ गया और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ आ गया, और इसी बॉन्ड को बेटा जी हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। क्या है ये? बनाना बॉन्ड, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो बनाना की तरह होती है, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब है क्या सर कि ये जो बनाना बॉन्ड है ये बहुत वीक है, ये बहुत क्या हो गया? वीक हो गया। सर एडिशन रिएक्शन के लिए चाहिए क्या कि उसका बॉन्ड आराम से टूट जाए? और ये जो बनाना बॉन्ड बना रिंग स्ट्रेन की वजह से इसने इस बॉन्ड को वीक कर दिया, अब जितनी एनर्जी से ये पाई बॉन्ड टूट रहा था उतनी ही एनर्जी से इसका सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए यहां पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। इसलिए यहां पर क्या होती है बेटा जी? एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो उस बॉन्ड को तोड़कर किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट को अपने पास ऐड कर लेता है। तो ये हमारे पास इसका एक एक्सेप्शन था एडिशन रिएक्शन का। अब ध्यान से समझो, दो चीजें हो गई कि सर सबसे पहले मैं देखूंगा कि रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, उसके लिए एसिड बेस का होना बेहद जरूरी है। सेकेंड बात है हमारे पास कि सर अगर एसिड बेस ना हो तब मैं जाऊंगा एडिशन रिएक्शन के पास, और एडिशन रिएक्शन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि सर कंपाउंड को या सबस्ट्रेट को अनसैचुरेटेड होना जरूरी है, बिकॉज वहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम सबस्ट्रेट का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो सर सैचुरेटेड में काम नहीं बनता एसिड एडिशन रिएक्शन का, अनसैचुरेशन पे बनेगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है साइक्लोप्रोपेन, उसकी कहानी क्यों है ऐसी वो सारी बातें बेटा जी मैंने यहां पर एक्सप्लेन आपके सामने कर दी। अब मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो ना अच्छा एसिड है ना बेस है, और दूसरी चीज की वो अनसैचुरेटेड भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तब बेटा जी हम अपनी थर्ड प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे। थर्ड प्रायोरिटी की तरफ जब हम जाएंगे तो थर्ड प्रायोरिटी हमारी रहती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। थर्ड प्रायोरिटी हमारी कहां रहेगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। सर ध्यान से देखो कि फिर हम जाएंगे थर्ड प्रायोरिटी पे, वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड प्रायोरिटी है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो दो केसेस हमने देख लिए सर, अच्छा एसिड बेस नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो आपका सब्सट्रेट है वो अनसैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, मानो सैचुरेटेड है, तब क्या होगा? अब खुद सोचो वही कंडीशन की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास कहानी है। अब अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी की जगह लेना, कोई पहले कहीं पर मिला हुआ है, आप जाकर उसके मिलाप को खत्म कर दो और उसकी जगह आप खुद चले जाओ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। मतलब किसी की जगह छीनना, उसकी जगह पर कब्जा करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? मानो कि इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, मान लो कि मुझे इसको अलग करके किसी दूसरे को लेके आना है, मान लो कि मुझे इस वाले पूरे के पूरे CH3 को हटा के इसकी जगह किसी और को लाना है। अब दिमाग लगाओ कि सर यहां पर इसके पास जो मेरे पास डबल बॉन्ड है इसके पास एक सिग्मा एक पाई, इसके पास जो सिंगल बॉन्ड है उसके पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर मुझे ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के किसी दूसरे को लाना है तो सर मुझे इसके दोनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, सेम कहानी की इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बिकॉज इसके पास तो सिर्फ एक सिग्मा है, इसके पास सिग्मा के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो पाई है, इसलिए पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिग्मा बॉन्ड। अगर ये कहानी है तो सर यहां पर क्या है कि अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो, और यहां पर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इसके कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली बात करेंगे तो सर इसमें सब्स्टिट्यूशन इजीली पॉसिबल है। तो इसकी सीधी सी रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी सीधी सी रिक्वायरमेंट रहती है कि सर कंपाउंड या सब्स्ट्रेट हमारा कैसा होना चाहिए, कंपाउंड या सब्स्ट्रेट कैसा होना चाहिए, शुड बी सैचुरेटेड।
शुड बी सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो आपका काम बहुत अच्छे से बेटा जी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां भी है, यहां भी एक बहुत ही मार्वेलस हमारे पास एक्सेप्शन रहता है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट यहां पे जो एक्सेप्शन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहां पर एक्सेप्शन है बेटा जी आपका बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा एक्सेप्शन है बिकॉज बेंजीन का बहुत ज्यादा यूज है। आप देखिए कि आपके पास जितने भी आगे जाके कंपाउंड बनेंगे, हेलोएरीन की बात कर लो, वहां पे भी बेंजीन रिंग होती है, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, फिनॉल, बेंजीन एमीन, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सबके पास बेंजीन रिंग कंटेन होती है। और जिसके पास भी बेंजीन रिंग कंटेन है दैट मींस कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली शो करता है। जबकि बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन कुछ इस तरीके का है। सर ध्यान से देखो, बेंजीन है ये, और अगर मैं इसे देखूं तो सर ये मुझे दिख कैसा रहा है कि सर इसके पास डबल बॉन्ड है, और जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं बेटा जी वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। और हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड अगर आपका सब्सट्रेट है तो उस पर रिएक्शन एडिशन होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो ना करके क्या रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क। याद करो कि जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो रेजोनेंस में मैंने आपको बेंजीन के थ्रू स्टार्ट करके बताया था। मैंने कहा था कि सर बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नहीं है, वो डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में मूव है, वो डीलोकलाइजेशन में कहीं ना कहीं बिजी है। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में बिजी है तो बेटा जी क्या होगा कि अगर एडिशन क्यों नहीं होगा, अगर डीलोकलाइजेशन में बिजी है और एडिशन में हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो अगर आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसका डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, और अगर डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा तो रेजोनेंस की कहानी खत्म हो जाएगी। रेजोनेंस की कहानी खत्म हो गई तो बेटा जी उसका स्टेबिलिटी का फैक्टर दिक्कत कर जाएगा। इसलिए बेंजीन टाइप के कंपाउंड में हम उसके पाई बॉन्ड करेक्टर को ब्रेक नहीं करते, और वैसे भी ये डबल बॉन्ड एक प्लेस पे नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं, यहां पर ये परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है इसके। और आपने याद करो कि ब्रोमीन टेस्ट पढ़ा था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो बेटा जी बेंजीन रिंग ने अनसैचुरेशन का टेस्ट भी नहीं दिया था, नेगेटिव टेस्ट दिया था इसने ब्रोमीन के अंदर। और अगर इस तरीके की कहानी है तो सर ये हमारे पास ये नहीं कह सकते कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसलिए बेंजीन या बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, वो हमेशा बेटा जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो इसका ये एक्सेप्शन है, वहां साइक्लोप्रोपेन था, तो इस तरीके की हमारी कहानी है। अब दूसरी बात, अगर मैं दूसरी एक और बात करूं बेटा जी, इधर देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि सर कंपाउंड हमारा जो रिएक्शन हो रही है उसमें एसिड बेस भी प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेटेड भी नहीं है, और सैचुरेशन में किसी वजह से उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं हो रही है, तब हमारी लास्ट प्रायोरिटी जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन में। और ये एग्जांपल मैं अभी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब कहानी पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि कौन सी वजह ऐसी होती है कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती, और जहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी बेटा जी वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी एसिड बेस रिएक्शन, देन एडिशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, फिर उसके बाद हमारी कहानी जाएगी बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो ये हमारा रिएक्शन का ऑर्डर था कि ये सर हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। अब ये जितनी भी टाइप्स की रिएक्शन है इनके पास कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके की मैकेनिज्म ये शो करेंगे। तो एक मैं बेसिक मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। तो बेटा जी ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये कितनी मैकेनिज्म्स को फॉलो करती हैं वो मैं समझाता हूं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं। तो जनरली यहां पर जो मैकेनिज्म का फैक्टर्स मिलेगा हमें वो तीन तरीके की मैकेनिज्म शो करते हैं। पहली होती है जिसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। दूसरा हमारे पास होता है बेटा जी जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और एक और हमारी मैकेनिज्म होती है जिसको हम कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये हमारे पास है कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये तीन तरीके की मैकेनिज्म आपके सामने रखी हुई है, बहुत ध्यान से समझो। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसोसिएशन की कहानी है। एसोसिएटिव का भी सीधा सा खेल है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एसोसिएशन का कुछ ना कुछ खेल है।
और कंसल्टेड, ये तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम दे देंगे टैबलेट इसे डाइजेस्ट करने की। डिसोसिएटिव का मतलब है कि सर मेरे पास कुछ कहानी अगर ये है कि एक्स, और मानो कि ये आपके पास एच है, अब मुझे क्या करना है कि पहले अगर मैं यहां से अपने सबस्ट्रेट में से पहले अगर मैं किसी चीज को निकाल दूं, तो यहां पे मैंने क्या करा, पहले डिसोसिएशन करा, उसके बाद जाके अटैकिंग एजेंट इसके पास अटैक करेगा। ध्यान से समझो, यहां पे क्या होगा कि जैसे ये यहां से इसे निकाल देगा, तो निकालने के बाद ऑब्वियस है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो यहां पे अगर पहले डिसोसिएट कर रहा है तो उसको हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। या हो सकता है कि सर ये कार्बन हो और कुछ इस तरीके की कहानी हो और इस पे जाके पहले कोई एडिशन कर रहा हो उसके बाद डिसोसिएट कर रहा हो, तो पहले अगर एसोसिएशन आ जाए तब भी बेटा जी वहां पर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, और एसोसिएशन में पहले एसोसिएट होता है उसके बाद डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन में क्या होता है कि पहले सर बॉन्ड डिसोसिएट होगा, उसके बाद जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो एसोसिएट करेगा। अब सर कंसल्टेड मैकेनिज्म की कहानी क्या है, तो ये बात याद रखना कि सर डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव दोनों के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि सर रिएक्शन दो पाथवे फॉलो करती है, या तो वो इंटरमीडिएट बनाएगी या फिर वो ट्रांजिशन स्टेट का खेल बताती है आपको। कंसल्टेड मैकेनिज्म क्या कहता है कि सर एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड आपका एक तरफ से ब्रेक हो रहा हो, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक साथ चले, मतलब बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्म एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो ये बात। और सर अगर ऐसी कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, उसको हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है। वो हमारी किसको करती है, ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है। बहुत ध्यान से समझो, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, देन हम आते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म पर। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म हमारी ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है, और बाकी जो डिसोसिएटिव एसोसिएटिव की कहानी है वो बेटा जी आपके इंटरमीडिएट फॉर्मेशन पर वर्क करती है। तो इतनी चीजें हमने देखी कि सर रिएक्शन का ऑर्डर या प्रायोरिटी कैसे रहती है, कि किस रिएक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देखनी है, क्या है, कब वो नहीं होगी, ये बातें बता दी मैंने आपको। उसके बाद हमने देखा कि सर रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स होती है उनका क्या खेल है, तो वो आपको डिसोसिएटिव एसोसिएटिव कंसर्टेड मिल जाएगी, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब क्या है, अब अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इसके अकॉर्डिंग हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है, इसके थ्रू हमें एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना है। तो यहां पे हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, तब हम उसकी प्रिपेरेशन और जितनी भी उसके अंदर नेम रिएक्शन है वो मैं सारी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारे पास SN1 या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी है, बिकॉज हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं अब आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाता हूं कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पूरी की पूरी कहानी क्या है, किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करती है, कब वो इंटरमीडिएट बनाएगी, क्या करेगी, क्या उसका सारा खेल होगा, वो मैं आपको बताता हूं, कितने तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी होती है, पूरी कहानी को आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सिर्फ दो रिएक्शन का जिक्र किया गया है, एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यहां ध्यान से देखो कि बेटा जी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने लिखी है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कई तरीके से हो सकती है सर, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, और ये हमारी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। बहुत ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि अटैकिंग एजेंट आपका कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल, और वो जाकर सब्सट्रेट पर अटैक करेगा और किसी को बाहर फेंकेगा, उसकी जगह ले लेगा, तब हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कहानी है बेटा जी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की, कि मतलब अब आपका अटैकिंग एजेंट जो होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल किसी सब्सट्रेट पर जाकर
किसी को सब्स्टिट्यूट कर उसकी जगह ले लेगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक होती है हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जब आप एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहे होंगे। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना। हमारा जो मेन मोटिव है बेटा जी, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने का है। बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक की कहानी भी हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देंगे, बिकॉज यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बेटा जी आपकी कई तरीके से बनाई जाती है। बहुत सारे तरीके की आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसको शॉर्ट में हम SN कहते हैं। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको SN1 भी मिलती है, SN2 भी मिलती है, SN1- भी मिलती है आपको, SN2- भी मिलती है। नीचे लगा लेना SN1 और ये SN2, SN1- SN2- और एक होती है हमारे पास SN1, आपके पास होगी SN1, ठीक है SN1। ये हमारे पास इतनी सारी रिएक्शंस है, SN1, SN2, SN1- SN2- इतनी लिख लो चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस है। तो अब ये सारे इतने सारे टाइप्स और भी टाइप्स होते हैं बेटा जी SN1 रिएक्शन के, और भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। SNI भी होता है हमारे पास एक, SNI भी होता है हमारे पास एक, दिस इज इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हमारा जो फोकस होगा बेटा जी वो सिर्फ इन दो रिएक्शंस पे होगा, बिकॉज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही दो रिएक्शंस हैं। जब हम कभी JEE और NEET के लिए वीडियोस बनाएंगे तब आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इनकी सबकी कहानी क्या है, वो मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से देखो। अब हमें बात किसकी करनी है सर, SN1 रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की। तो मैं इसे रफ करता हूं, एक तरफ SN1 लिखता हूं और एक तरफ SN2 की पूरी कहानी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां ध्यान से देखो कि अगर आपने यहां पर एक बार SN1 और SN2 की कहानी समझ ली तो आपको पूरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर SN1 और SN2 हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर आपकी SN1 रिएक्शन होगी, कहां पर आपकी SN2 रिएक्शन होगी। क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं, बहुत सारे बच्चों को आती है SN1 SN2, लेकिन प्रॉब्लम सर ये रहती है कि हमें पता कैसे चलेगा, अगर मैं यहां टैगिंग रिएजेंट और सब्सट्रेट लिख दूं तब आप कैसे बताओगे कि सर यहां SN1 होगी या SN2 होगी। तो मैं आपको वहां पर पूरी कहानी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां देखो कि यहां पर मैंने बात करी किसकी, SN1 रिएक्शन की, और यहां पर लिख दिया बेटा जी मैंने SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं बायोन्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। अब सर SN1 रिएक्शन जो होती है ये आपकी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये आपकी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और इसी तरीके से अगर मैं SN2 की बात करूं तो ये आपकी बेटा जी कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये आपकी कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कि कंसर्टेड मैकेनिज्म की कहानी क्या है, ध्यान से देखो। अब मैं एक एक करके आपको दोनों चीजें समझाता हूं, ये सारी की सारी इनकी कहानी क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं, जो इनको फैक्टराइज करते हैं, वो सारी कहानी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देख लेते हैं सर SN1 SN2 क्या है। हालांकि SN1 SN2 इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसमें कि सर SN2 क्या होता है SN1 क्या होता है, बिकॉज सारे बच्चे जानते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कहां पर SN1 लगेगी और कहां पर SN2 लगेगी, तो वो भी देखेंगे। अब यहां देखो कि अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 में वो कह रहा है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है। मान लो C हाइड्रोजन 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 और ये आपके पास एक X है, मतलब ये कोई एल्काइल हैलाइड है। दूसरा क्या होगा हमारे पास बेटा जी, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा और इनकी रिएक्शन होगी, ये टैगिंग रिएजेंट है आपके पास, और बेटा जी ये आपके पास क्या है कि एक सब्सट्रेट है। सॉल्वेंट की कहानी थोड़ी देर बाद जब मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊंगा तब सॉल्वेंट लगा के बताऊंगा कि सॉल्वेंट की क्या कहानी होती है। फिलहाल अभी नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो SN1 SN2 का। सर न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास एक सब्सट्रेट है, अगर ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ये बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, बिकॉज X इज हैलोजन और हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। तो अगर ये कहानी हुई, अभी देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले डिसोसिएशन होता है, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, C H H
एच ऑर्बिटा जी यहां पर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर मैं पहले की बात करूं कि सर जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था उस टाइम पर इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3 और sp3 पर स्ट्रक्चर होती है बेटा जी टेट्राहेड्रल, बहुत ध्यान से समझो। और जैसे ही इसने डिसोसिएट कर दिया यहां बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे बेटा जी ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर लिख लो इसे, स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई बेटा जी हमारी, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि अब स्ट्रक्चर आपकी एक प्लेन में आ गई। ट्राइगोनल प्लेनर देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर ये है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में अब आपकी ज्योमेट्री। तो जैसे ही ये कार्बोकेटायन बनता है, जैसे ही यहां पे अब ये क्या है आपका कार्बोकेटायन है, ये आपका क्या है कार्बोकेटायन, एक इंटरमीडिएट है, और जैसे ही कार्बोकेटायन बना ये स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर हो गई। तो यहां पर जैसी स्ट्रक्चर प्लेनर हो गई अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा जी, वो न्यूक्लियोफाइल जो है अब खुद सोचो कि ये जैसे ही आपकी स्ट्रक्चर बन गई, अब न्यूक्लियोफाइल मान लो कि ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, मतलब कि यहां पे दो प्रोडक्ट बनेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल अगर इधर है तो वो यहां से भी ऊपर से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज यहां से तो नहीं करेगा बिकॉज स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो वो यहां से अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर यहां से अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से समझो कि सर यहां पर आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बन जाएंगे, यहां पर आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, मैं उधर ही समझा देता हूं फिर SN2 पर आऊंगा। यहां पर आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे सर, क्या होगा कि अगर ये कहानी बनी तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और H, अगर मानो उसने ऊपर से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो सर ऊपर से जब अटैक करता है तो कुछ इस तरीके की कहानी होती है, तो मानो कि न्यूक्लियोफाइल आपका ऊपर की तरफ मतलब अबव द प्लेन, ये सॉलिड लाइन होती है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि सर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो सकता है कि वो नीचे की तरफ से जा गया हो, तो इसको कहते हैं हम डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ से गया, सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ से अटैक करा। तो बेटा जी यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहां पर आपके क्या बने दो प्रोडक्ट बने, एक अबव द प्लेन से और दूसरा बिलो द प्लेन से। तो ये कहानी है हमारे पास किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं यहां लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट कहानी क्या है SN1 की जो आपको दिमाग में रखनी है। सर पहली चीज तो कि ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये किसको करेगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की कहानी को एक्सप्लेन करेगा। और दूसरा मुद्दा होता है कि डिसोसिएटिव देख लिया, और सर इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। और इंटरमीडिएट की भी अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट में भी बेटा जी यहां पर कार्बोकेटायन बनता है, यहां पर क्या बनता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तीसरी चीज, जब भी बेटा जी कुछ इस तरीके की कहानी हो कि एक बार कोई न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा हो और दूसरे प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव कंपाउंड, बिकॉज यहां पे इनका स्टीरियो आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि इन्होंने स्पेस से एटम की कनेक्टिविटी के अंदर चेंज किया है। तो स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम रहते हैं लेकिन स्पेस से एटम की कनेक्टिविटी चेंज होती है। पहले आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ था और इस वाले में न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ, तो देखो एटम टू स्पेस कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और अगर इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो बेटा जी उनको हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, बिकॉज यहां पर वो सेलेक्ट कर पा रहा है कि ऊपर से अटैक करूं या नीचे से, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है कि जहां पर दो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इसकी बेटा जी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सर जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमारी कंसंट्रेशंस होती हैं उन कंसंट्रेशंस की जो पावर या हम कहते हैं कि जो उनके स्टोइकियोमेट्री होता है उन स्टोइकियोमेट्री का समेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट में यहां कौन है बेटा जी, एक तो सबस्ट्रेट है और एक आपका अटैकिंग रिएजेंट है। लेकिन ध्यान दो कि जब आप SN1 रिएक्शन कर रहे हो तो SN1 रिएक्शन के अंदर आपका अटैकिंग रिएजेंट का यूज स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, यहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा जी यहां पर सबस्ट्रेट का स्टोइकियोमेट्री तो वन रहेगा लेकिन अटैकिंग रिएजेंट का स्टोइकियोमेट्री नहीं होगा बिकॉज हम इसका यूज नहीं कर रहे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो स्टोइकियोमेट्री का जो समेशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सर 1+0 इज इक्वल टू 1, इसलिए कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है। अगर आपसे पूछे कि सर ये जो ऑर्डर ऑफ हमारे पास SN1 रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है, तो आप याद रखेंगे कि सर इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारे पास ये होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखोगे तो आपका SN1 का मुद्दा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको SN2 की कहानी समझाता हूं कि सर SN2 की कहानी क्या है, कि SN2 कैसे बनता है, क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं। अच्छा एक और मैं बात बता दूं आपको यहां पे कि बेटा जी जो अबव द प्लेन है और जो बिलो द प्लेन है, अब यहां पे क्या होता है कि बनने तो देखो अकॉर्डिंग टू अगर हम सोचे तो ये इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 50-50% का होना चाहिए, लेकिन इनमें से एक जो होता है वो बनता है आपका 51% और एक जो होगा बेटा जी वो आपका बनेगा 49%। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा 51 बनेगा और कौन सा आपका 49 बनेगा। तो क्वेश्चन आता है सर ये पता कैसे चलेगा कि 51 बन क्यों रहा है, 49 क्यों बन रहा है। तो इसको सीधे से सॉल्व कर सकते हैं कि सर जब ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया, ध्यान से सुनो कि ये स्ट्रक्चर कुछ पहले इस तरीके की कहानी हुआ करती थी, पहले इस स्ट्रक्चर की इस तरीके की कहानी हुआ करती थी, ये टेट्राहेड्रल बनता था, पहले ये टेट्राहेड्रल की फॉर्म में था। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल निकला ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल निकला होगा यही होगा आसपास, तब तक क्या हो रहा होगा बेटा जी, अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल आना स्टार्ट कर रहा होगा। तो क्या होगा कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एक दूसरे को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली रिपल्शन करेगी। तो इस वजह से यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जहां से ये आपका अटैकिंग रिएजेंट या जो आपका लिविंग ग्रुप है जहां से लीव कर रहा है, अगर वहां से आपका अटैकिंग रिएजेंट आता है तो वहां से थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। तो अगर जिस केस में आपका लिविंग ग्रुप जहां से निकला है वहीं से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कहने का मतलब वहां से तो 49% बनेगा और उसकी एंटी साइड से वो 51% बनाएगा। तो ये हमारे पास एक कहानी है SN1 की। अब मैं सिर्फ करता हूं SN2 पर आता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अब हम आते हैं SN2 मैकेनिज्म पे, SN2 रिएक्शन पे कि सर उनकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, बहुत ध्यान से देखो। अब अगर बेटा जी हम बात करें, अब अगर हम बात करें कि सर SN2 का क्या खेल है, तो SN2 का मतलब आप जान गए कि सर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखो। अगर हम इसकी बात करें बेटा जी ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये किसको फॉलो करती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कहानी क्या होगी कि सर यहां पर एक कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन 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 और ये आपका एक एक्स है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया एक अटैकिंग रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, मैं इस रिएक्शन को कराता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये जो सर आपका एक्स वाला बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा इधर बना लो कि ये जो एक्स वाला बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग होगा यहां पे, ये क्या है इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है यहां का एंटी बॉन्डिंग, ध्यान से समझो। अब क्या है कि एंटी बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं, बिकॉज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग हायर ऑर्बिटल में, तो अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो हम हायर एनर्जी से दे देते हैं, ध्यान से देखो। अब ये क्या करेगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है कि एक तरफ से ये जाएगा और दूसरी तरफ से ये बॉन्ड लीव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है और एंटी बॉन्डिंग में जाके इस वाले बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो कहानी क्या बन रही होगी कि सर ये सी एच एच एच,
यहां पर क्या हो रहा है कि ये डॉट डॉट डॉट, यहां पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल डॉट डॉट डॉट, यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है एक्स मान लो, और यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका एक स्टेट बन रही है। इस स्टेट को कहते हैं बेटा जी हम ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ध्यान से समझो, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा जी ये बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना है, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का फिनोमिना है, बिकॉज यहां पे धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानी है। अब क्या होगा कि सर जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता रहेगा, एंटर करता रहेगा, वैसे वैसे ये निकलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा निकल जाएगा। तो कहानी क्या होगी कि ये जो आपका सी एच H और H है, यहां पर कौन आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो कि मान लो कि ये जो आपका X है, मैंने मान लिया कि ये अबव द प्लेन है, ये कैसा है आपका अबव द प्लेन है, तो बेटा जी ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये कहां से जुड़ेगा, ब्लो द प्लेन से जुड़ेगा। ये कहां से जुड़ेगा, ब्लो द प्लेन से जुड़ेगा, बिकॉज ये उसकी एंटी पोजिशन से जाके जुड़ता है। ये कहां से जुड़ता है, उसकी एंटी पोजिशन से जाके। तो ये हमारे पास SN2 की कहानी है। अगर मैं इसके पॉइंट्स आपको लिखवाऊं तो सबसे पहली चीज की सर ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये किसको कर रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दूसरी चीज है कि सर कंसर्टेड मैकेनिज्म को करने के बाद बना क्या रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा जी ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ये कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, बिकॉज यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर सेलेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है कि सर आप न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से अटैक कराओगे या नीचे से अटैक कराओगे, बिकॉज ये sp3 है, एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से निकालेगा। तो इसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है कि सर इसकी एंटी साइड से वो जाकर अटैक कर दे। तो एक ही प्रोडक्ट यहां पर बनता है। अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है उसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है बेटा जी कि वो एंटी साइड से अटैक कर रहा है, तो इसको हम वोल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही है कि रेट लो एक्सप्रेशन से निकलेगा कि सर रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उनकी जो स्टोइकियोमेट्री है उनका समेशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, या अगर मैं रेट निकालूं रेट लो एक्सप्रेशन से, तो सर यहां पर क्या है, मेरे पास सबस्ट्रेट है और बेटा जी अटैकिंग रिएजेंट है। देखो दोनों का यूज हो रहा है, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों यूज कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट और दोनों का 1:1, और अगर मैं इनकी स्टोइकियोमेट्री को जोड़ दूं तो 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कैसा है वो, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो, लेकिन काइनेटिक्स इज अ फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही यही है कि सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस है उन रिएक्शंस की आप फिजिकल क्वांटिटीज पर वर्क करें, उनका रेट। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में भी सीख सकते हैं। तो ये कहानी थी मेरे पास SN1 SN2 क्या है। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें एक और है कि सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपाउंड्स होंगे जो SN1 को फेवर करेंगे, कौन से कंपाउंड होंगे जो SN2 को फेवर करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो SN1 SN2 को अफेक्ट करते हैं। तो वो सारी कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा मोटिव यही होगा कि कैसे हम देखें कि कहां पर SN1 होगी, कहां पर SN2 होगी, कब SN1 को फेवर करेगा, कब SN2 को। तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारे कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके साइज पर डिफेक्ट हो, सॉल्वेंट पर डिपेंडेंसी हो, लिविंग ग्रुप पर डिपेंडेंसी हो, बहुत सारी कहानी है हमारी डिपेंडेंसी की, जिससे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहां पर SN1 होगा और कहां पर SN2। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सर जहां पर कौन कौन सी जगह ऐसी होंगी जहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी, तब हम जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की कहानी पढ़ने। तो बाकी का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं। तो आज के लिए इतना हमारा बहुत है, और अगर सच में तुम्हें सारी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। तो बहुत ही अच्छे से हम बहुत ही अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, और आगे में आने वाली जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे हम वहां पर भी आपको वर्क कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।